हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा संदेश ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ये ब्लू आई मेकअप लुक। तो इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है, चलिए वीडियो में देखते हैं। वीडियो पसंद आती है तो मेक से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ अपना सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेट करता है। इसके लिए मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, ये लैक्मे का सनस्क्रीन था। देन हम यूज़ करने वाले हैं फेस कनाडा का ये प्राइमर। अब ये मेरा फेवरेट प्राइमर है गाइस, ट्रस्ट में बहुत ही प्यारा प्राइमर है और जेल बेस प्राइमर है, बहुत अच्छे से आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, तो आप इस प्राइमर को यूज़ कर सकते हो। देन हम करने वाले हैं अपना फेस मेकअप। फेस मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये मेबलिन का फिट मी का फाउंडेशन, जो मेरे हर वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, आपको अच्छे से अपने नेक अपने फेस को कवर करते हुए अच्छे से आपको अप्लाई करना है। देन अपने ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, वेट कर लेना है। देन उसके बाद आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि फाउंडेशन अगर ब्लेंड होता है अच्छा तो हमारा मेकअप का जो बेस होता है वो बहुत अच्छा दिखता है। देन हम करने वाले यहाँ पे अपना ये कंसीलर। ये कंसीलर NY का है, मुझे डार्क सर्कल्स तो नहीं थे बट मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था तो मैंने अप्लाई कर लिया है। तो मैंने कंसीलर को अप्लाई करने के बाद इसे ब्लेंड कर लिया है। एंड यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे फेस कनाडा का ये कॉम्पैक्ट, जो बहुत ही प्यारा कॉम्पैक्ट है। फेस कनाडा की सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइनर, मस्कारा, कॉम्पैक्ट, प्राइमर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। सारे का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे फाउंडेशन ज़्यादा लग रहा है तो मैं अपने सेटिंग स्प्रे से इसको पहले से थोड़ा सेट कर ले रही हूँ, जो भी एक्सेस है उसे रिमूव कर ली हूँ। देन अब करने वाले हम अपना आई मेकअप। आई मेकअप मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी, आप अच्छे से कर सकते हो। सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन कलर हम लगाएंगे पूरे आईज पे। तो ये जो पिंक कलर है पूरे आईज पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। आपको सबसे पहले आउटर वे में इस तरीके से प्लेस करना है, देन इनर कॉर्नर तक आपको धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए जाना है। इस तरीके से आप अच्छे से इसको ब्लेंड करोगे। आई मेकअप के लिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, तभी वो अच्छा लुक आता है, आई लुक अच्छा होता है। तो अब देख रहे हो कि मैं किस तरह से आउटर वे में प्लेस कर रही हूँ, देन मैं उसके बाद इनर कॉर्नर तक जा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद अप्लाई करेंगे डार्क सेड, जो मैं अपने क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी। मैंने पूरे आईलेट पर एकदम ट्रांजिशन कलर किया, देन मैं ब्राउन कलर जो डार्क का है वो मैं अपने क्रीज लाइन पर अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। तो आपको दोनों आईज पर अच्छे से अप्लाई करना है और एक वी का शेप देते हुए आप अप्लाई करते चले तो बहुत अच्छा सा एक लुक आएगा। तो आप देख सकते हो मैं कितना अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जो पैलेट है ना गाइज, बहुत ही प्यारा पैलेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पैलेट। आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। उसके बाद हम करने वाले हैं ये ब्लू सिमर। जो ब्लू है ना, ये सिमरी है, आप आराम से इसको एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर सकते हो। सी आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। और आपको पूरे आईलाइट पे नहीं जाना, एकदम हाफ तक रखना है, क्रीज तक नहीं टच करना, मैं क्रीज से नीचे ही रहना। तो इस तरीके से मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। उसे देख सकते हो मैंने दोनों आईज पे अप्लाई कर लिया है। देन जो ट्रांजिशन कलर था ना, उसे मैं थोड़ा थोड़ा ब्रश में लेके अपने ब्लेंड कर ले रही हूँ। जो भी अगर निकल हल्का हल्का वो लाइट हो जाता है तो आप उसे डार्क कर सकते हो इस तरीके से, तो वो मर्ज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने सिर्फ साइडों को वहाँ पे रख लिया। अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। देन यूज़ करेंगे हम आई ग्लू, क्योंकि मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ ग्लिटर ब्लू कलर का। तो मैं सबसे पहले आई ग्लू अप्लाई कर ले रही हूँ। आई ग्लू का भी लिंक मैं आपको दे दूँगी, ये अमेजोन से मैंने परचेस किया था। कभी भी ग्लिटर अप्लाई करते हो ना तो आई ग्लू अप्लाई करोगे तो वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है इसके लिए। तो इसे देख सकते हो कि कितने अच्छे से मैं ब्लू कलर का जो मेरा ग्लिटर उसे मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये आई लुक, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आपको एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से प्लेस कर लेना है अपने इसको। आप देख सकते हो दोनों तरह के मैंने कर लिया। देन उसके बाद हम जो सिमर सेट था उसे मैं हल्का सा लेंगे और अपने आउटर वे में अप्लाई करते हुए अच्छे से उसको ब्लेंड करें, क्योंकि मैंने पूरा आउटर वे तक ग्लिटर अप्लाई नहीं किया हुआ है, सिर्फ इनर कॉर्नर से हाफ किया हुआ है। तो जो भी बचा हुआ आउटर वे उसे मैं एक ग्लिटर जो सिमर सेट है उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, देख सकते हो आप। तो इस तरीके से आप आई लुक को कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग रेड कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो, मुझे ब्लू करना था। देन फेस कनाडा का ये लाइनर है, जो बहुत ही प्यारा लाइनर है। जैसा मैंने बताया कि फेस कनाडा के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं इसके लिंक सारे प्रोडक्ट लिंक आपको जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो। देन अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो आई लुक है ना वो शेप में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया कि कंसीलर को लेकर एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस तरीके से जहाँ जहाँ मुझे एक शेप देना था अपने आईब्रो पे, अपने कॉर्नर में, उसे मैं देख के उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से हल्के हल्के हाथों से उसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। तो आप देखोगे कि कितना अच्छे से एक शेप आ गया मेरे आई लुक पे। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, आईब्रो मन को भी हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद जो भी मुझे फॉल आउट हुआ था मैं उसे एक फ्लफी ब्रश हेल्प से उसे रिमूव कर ले रही हूँ। इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो।
एंड ऑफ कैमरा मैंने यहाँ पे फॉल्सेस और अपने आईब्रो को फिल कर चुकी हूँ। देख सकते हो कि मेरा आई लुक कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है मुझे। ट्रस्ट में गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये आई लुक, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। आप भी इस आई लुक को एक बार ट्राई कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर डीएम कीजिएगा। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर मुझे ज़्यादा करना पसंद नहीं है, मैं हल्का हल्का कॉन्टोर किया। देन ब्लश में सेम पैलेट में से, शुगर का पैलेट है जिसमें ब्लश, हाईलाइट और कॉन्टोर आपको तीनों मिल जाएगा। मुझे ये पैलेट बहुत पसंद है, मैं हर वीडियो में से यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से ब्लश, कॉन्टोर मैंने लगा लिया, देन हाईलाइट भी कर लिया अपने नोज, अपने चिक बोन, अपने आईब्रो बोन, जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट करना है आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया। मैंने आई का कलर यहाँ पे रखा है बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, तो मैंने सोचा मैं लिप का कलर थोड़ा लाइट रखूँगी। ये जो मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ ये मेरा NY का वाइट काजल है। वाइट काजल इसके साथ अच्छा जा रहा था। आप ब्लैक भी अप्लाई कर सकते हो बट ब्लैक मुझे नहीं लगा कि अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने वाइट काजल अप्लाई किया। अब लिपस्टिक, तो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे न्यूड लिपस्टिक लगाई है, लैक्मी का बोल्ड लिपस्टिक है। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा न्यूड लग रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अलग ट्राई करूँ। तो उसके बाद मैंने ये लिक्विड लिपस्टिक जो है ये भी लैक्मी का ही है, उसे मैंने अप्लाई कर लिया है। तो ओवरऑल ये मेरा लुक है गाइज, आई होप आपको ये लुक पसंद आएगा। पसंद आता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।